चालू खरीफ सत्र में धान की बुआई अब तक 12.39% घटकर 309.79 लाख हेक्टेयर रही है। इसका कारण विशेषकर झारखंड और पश्चिम बंगाल में बुआई रकबे का कम रहना है। कृषि मंत्रालय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार धान के अलावा दलहन और तिलहन की बुआई का रकबा भी इस खरीफ सत्र में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में अभी कम है। धान मुख्य खरीफ फसल है जिसकी बुआई जून से दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत के साथ शुरू होती है। देश के कुल उत्पादन का लगभग 80% भाग इसी मौसम से आता है। फसलों की बुआई कम करने से उत्पादन घटने की आशंका बन गई है और चावल और दाल की कीमतों में उछाल आने की संभावना है। मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा खरीफ सत्र में 12 अगस्त तक धान की बुआई का रकबा 309.79 लाख हेक्टेयर था, जो एक साल पहले की समान अवधि में 353.62 लाख हेक्टेयर आंका गया था। झारखंड में इस सत्र में अब तक केवल 3.88 लाख हेक्टेयर में धान बोया गया है, जो रकबा एक साल पहले इसी अवधि में 15.25 लाख हेक्टेयर था, यानी 15,25,000 हेक्टेयर। इसी तरह पश्चिमी बंगाल में भी धान की बुआई कम यानी 24,30,000 हेक्टेयर में हुई है, जो पिछले साल 35,53,000 हेक्टेयर में थी। आंकड़ों के अनुसार उस वक्त की अवधि में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश सहित छत्तीसगढ़, हरियाणा, त्रिपुरा, मेघालय, उत्तराखंड, कर्नाटक, गोवा, सिक्किम और मिजोरम में भी धान की बुआई कम दर्ज की गई थी। इस खरीफ सत्र में अब तक दलहन और तिलहन बुआई के रकबे में मामूली गिरावट है। चालू सत्र में 12 अगस्त तक दलहन की बुआई का रकबा 122,11,000 हेक्टेयर है, जो एक साल पहले इसी अवधि में 127,22,000 हेक्टेयर था। इसी अवधि के दौरान पिछले साल के 47,55,000 हेक्टेयर के मुकाबले अरहर की खेती घटकर 42 लाख रह गई है। इस खरीफ सत्र में भी तिलहन बुआई के रकबे में कमी आई है। चालू खरीफ सत्र में अब तक 180,43,000 हेक्टेयर में तिलहन बोई गई है, जो पिछले साल 181,83,000 हेक्टेयर में थी। ये गिरावट मुख्य रूप से मूंगफली की बुआई कम होने के कारण हुई है। हालांकि इस खरीफ सत्र में अब तक मोटे सह पोषक अनाज की बुआई 166,43,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह बुआई 161,33,000 हेक्टेयर में हुई थी, जो कि थोड़ा सा अधिक है। नकदी फसलों में गन्ने का रकबा 54,52,000 हेक्टेयर के मुकाबले बढ़कर 55,20,000 हेक्टेयर हो चुका है। कपास खेती का रकबा पहले के 116,15,000 हेक्टेयर से अब बढ़कर 123,09,000 हेक्टेयर हो चुका है। आंकड़ों से पता चलता है कि जूट का रकबा एक साल पहले की तुलना में 6,94,000 हेक्टेयर पर लगभग अपरिवर्तित रहा और इस साल 12 अगस्त तक सभी खरीफ फसलों का बुआई रकबा 37,63,000 घटकर 963,99,000 हेक्टेयर रह चुका है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल 1 जून से 10 अगस्त के बीच देश में कुल मिलाकर दक्षिण पश्चिम मानसून की 8% अधिक बारिश हुई है, लेकिन पूर्वी और पूर्वोत्तर हिस्सों में 16% कम बारिश दर्ज की गई है।